क्या दिया, मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। कैसे हैं, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मैंने ये लुक क्रिएट की है साड़ी की, क्योंकि मैं शादी पे जा रही थी, मैंने सोचा साथ साथ रिकॉर्ड कर लूं। अच्छा, सारी डिटेल्स जो है ना आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। मेकअप कहाँ का यूज़ किया, ये कहाँ का है, रिंग्स वगैरह सब कुछ आप लोग को इंस्टाग्राम पे मिलेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आ जाइए। मैं आप लोग कैसे दिखाऊँ, हाथ इतना लंबा नहीं है, ये देखिए कैसा ग्लोई और सिंपल सा और ईजी सा मेकअप है। चलें जी, अब मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी आंखों को करते हैं प्रेप। मैं यूज़ कर रही हूँ टीवी पार्लर की ये फाउंडेशन, ये बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अच्छा जी, हम थोड़ी सी लेंगे, इतनी सी ली, आंखों के ऊपर लगाएंगे अच्छी तरह, ताकि हमारा आई शेडो बहुत अच्छा लगे, पॉप होके निकले। अब बारी आती है फेस पाउडर लगाने की। कोई भी आप लोग फेस पाउडर ले सकते हैं, ये CVB का मैं यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। अच्छा जी, इसके हम आंखों को सेट करेंगे, ये इसलिए सेट करते हैं कि सेट करते हैं ताकि आई शेड अच्छी तरह लग जाए, जमे ना एक जगह पे पाउडरी, क्योंकि फाउंडेशन पाउडर होती है ना, लिक्विडी लिक्विडी होती है। ये जी हम लोगों ने अपनी आंखें सेट कर ली। अब जो मैं पैलेट यूज़ करूँगी वो है ये टीवी पार्लर की पैलेट यूज़ करूँगी। इसके अंदर से कॉन्टोर करूँगी, इसके अंदर से ब्लश करूँगी और इसके अंदर से ही ये यूज़ करूँगी आई शेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके थोड़े से स्वाचेस दिखा देती हूँ, ताकि अगर जिसने लेनी हुई वो ईजीली ले सकता है। ये देखें, ये ग्रीन, ये पर्पल और कौन सा दिखाऊँ, गोल्ड दिखाती हूँ जो सबका फेवरेट होता है, ये गोल्ड। अच्छा जी, एक और सा दिखाऊं, ब्लू दिखाती हूँ, एक मिनट, ये लाइट ब्लू। ठीक है, उसके बाद एक आप लोगों को ब्लश ऑन का शेड दिखा देती हूँ, वो है जी ये। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को स्वाचेस दिखा दिए। इसके अंदर जी सारे शेड्स हैं, ब्लशेस भी हैं और इसके अंदर से कॉन्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कॉन्टोर का यहाँ से थोड़ा सा ब्राउन लेके मिक्स कर लिया जाएगा, कॉन्टोर भी हो जाएगा। और अगर इस्तेमाल करने भी आए तो इससे हाइलाइटर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग बिगनर्स हैं, जिन्होंने मेकअप करना शुरू किया है और इन्वेस्टमेंट करनी है थोड़ी पैसों में और चीज़ ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बाहर से इस तरह की दिखती है। चलिए जी, अब मेकअप शुरू करते हैं। मैं पहले ये हाथ साफ करके आती हूँ। चलिए जी, मेकअप शुरू करते हैं। पैलेट में से ये वाला जो सबसे लाइट पिंक है, ये वाला, और इसको हल्का सा ब्राउन के अंदर मैं मिक्स करूंगी। कोई भी अगर आप लोग पास कलर है, दो दफ़ा मिक्स करके टैप। ठीक है, इससे हम बनाएंगे अब क्रीज अपनी। ये देखें जी, इधर रखेंगे हल्का सा, सर्कुलर मोशंस टू एंड फ्रो, बिल्कुल हल्का, कोने से ब्रश पकड़ के ये देखें जी, हल्का हल्का करेंगे, सर्कुलर मोशंस टू एंड फ्रो। थोड़ा सा और पिंक लेंगे, उसको देखें, पिंक ये वाला लिया, ज़्यादा निकाल दिया, अब सिर्फ यहाँ पे रखेंगे कोने में। ठीक है, ये देखें यहाँ पे रख दिया, थोड़ा और पिंक लेंगे, आराम आराम से रखेंगे ताकि एकदम ज़्यादा प्रोडक्ट ना आ जाए। अब हमने उसको ऊपर ब्लेंड नहीं करना, अब हमने इसको नीचे ब्लेंड करना है। ये सुबह के फंक्शन होते हैं ना, तो बहुत वो वाला मेकअप नहीं अच्छा लगता। अच्छा, ये देखें, अब हमने यहाँ पे पिंक रख दिया, अब इसको हम नीचे की तरफ यहाँ पे ब्लेंड करेंगे और इसको हम बाहर की तरफ करेंगे। अब जिन लोगों को ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं ना होती, उन्होंने क्या करना है, फिंगर पकड़ के आराम आराम से यूँ बाहर की तरफ, बहुत अच्छी फिर ब्लेंडिंग हो जाए। ज़रूरी नहीं ब्रश के साथ करो, उंगलियों उसके साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये देखें शेडो आ गया, इधर से मैं करती हूँ ब्लेंड।
दोनों आंखों का। अब हमने क्या लेना है, जो इसके अंदर ये पर्पल शेड है ना, ये वाला, ये हम लेंगे छोटे ब्रश के ऊपर। ये हमने लिया छोटे ब्रश के ऊपर, ज्यादा निकाल दिया ये वाला पर्पल, ठीक है। अब हम रखेंगे इसको पिंक से भी थोड़ा सा नीचे और लेंगे थोड़ा सा टैप करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। ये देखिए रखा होगा पर्पल, दूसरी आंख पे भी इस तरह ही पहले रख देते हैं। हम दोबारा उसी ब्रश के साथ ब्लेंड करेंगे। कैसे गया एरिया, ये देखिए हमने ऊपर नहीं ज्यादा लेके जाना है, यहाँ पे ब्लेंड करना है कॉर्नर पे। सर्कुलर मोशंस टू एंड फ्रो, सर्कुलर मोशंस, ऊपर नहीं लेके जाना, इधर ही ब्लेंड। ये देखें और जो खाली ब्रश बच जाएगा, ये देखें ये खाली कर लिया। अब इसको हम हल्का सा ऊपर फेर देंगे ताकि आई वो शेडो सा पड़ जाए। वही नीचे हल्का सा लेंगे पर्पल पिंक और इसको एक दफ़ा ये पर्पल पिंक और आंख के नीचे, ठीक है। बस जी ये हमारी बेस क्रिएट हो गई है, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, ये देखें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से हम लेंगे ये वाला जिसके अंदर गोल्ड और क्या कहते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोग को, ये वाला शेड, ठीक है। इसके अंदर गोल्ड भी आ रहा है और सिल्वर भी आ रहा है, बस अब हमने इसको लिट पे लगा देना। अब जब मस्कारा लगेगा, लशेस लगेंगे तो भूम हो जाएगा। अच्छा इसके बाद मैं क्या करूंगी, क्योंकि फंक्शन है तो मुझे थोड़ा सा चंक चाहिए। ये मैं यूज़ कर रही हूँ तजमीली बाई हानिया का चंक, मैं आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ खोल के। ऑलमोस्ट ख़त्म ही आने वाला, ये देखें ये चंक है इसका, ठीक है ये वाला। मैंने क्या करना है, इसको झाड़ लूँगी क्योंकि फॉल आउट होगा, सिर्फ दरमियान में ये बस दबाऊंगी बस, ठीक है। थोड़ा सा और लेते हैं और दरमियान लगती है, ये देखें एंगल इस तरह का, अपने घर नहीं ना बैठी हुई तो क्या कहते हैं आप लोग, इस तरह देखनी पड़ेगी। ये देखें कैसे ब्लेंडिंग हुई है, गोल्ड्स आए हैं, सिल्वर आए हैं और दरमियान में यहाँ पे पॉप है तजमीली बहानिया का। ये मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। ये जी हमारा आई मेकअप ऊपर से डन हो गया। अब बारी आती है नीचे से आई मेकअप करने की। अब हम जी ब्रश लेंगे, ठीक है वही वाला, और हम लोगों ने जो पहले सारे शेड्स लिए थे पिंक पर्पल्स वगैरह, वो हल्के हल्के बिल्कुल हल्के हल्के टच करेंगे बस नीचे। ये देखिए ये है जी लाइनर, ये पता नहीं किसका लाइनर है, मैं देख के बताऊंगी, हल्का पर्पल कलर का, ये हल्का सा, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा लगाना है, वॉटरी है ना, इसको हम पर्पल के साथ ब्लेंड करेंगे। ये देखिए पर्पल लाइट पड़ रही है ना, इसलिए फील नहीं हो रहा। अब इसमें से कौन सा पर्पल है जिसके साथ ब्लेंड करेंगे, इस पर्पल के साथ इसको ब्लेंड कर देंगे। जे तू अखियां देखो लेने यारणा ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। इसको इसके साथ ब्लेंड करने का मकसद पता है क्या है, कि ये पक्का हो जाएगा और ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि लिक्विड के ऊपर जब पाउडर लग जाएगा ना, वो पक्का हो जाएगा और हिलेगा भी नहीं और लगेगा भी बहुत प्यारा। अगर आपके पास लाइनर नहीं है तो आप लोग क्या करिएगा, हल्का सा इस ब्रश को गीला करके ना फिर लगाइएगा, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए ठीक है, वैसे मेरे घर का अपना ही सुकून है, मेरे को आपकी सुकून से तसल्ली से मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई हंडी डोटी नहीं करनी, ठीक है। ये अब हमने ओके, अब आप लोग देखें, ओए होए होए अभी तो लाइट प्रॉपर नहीं ना पड़ रही, लेकिन इतने मज़े की आंख लग रही है ना। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये मिनीसो की पेंसिल है, ठीक है, इससे हम पहले अपनी आईब्रोज फिल कर लेते हैं
डार्क ब्राउन से कर रही हूँ। ज़्यादा हैवी नहीं कर रही, बिल्कुल हल्की सी कर रही हूँ ताकि नीटनेस आ जाए। ये देखिए नीटनेस आ गई ना इससे, और इससे लग रहा है अभी सो के उठी आईब्रो है। इसमें से ब्राउन शेड लेंगे ये वाला, ठीक है। अब हमें हल्का सा इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। ये जी हमारी आईब्रोज हो गई हैं डन, और ये ब्रश खाली यहाँ पे फेर देंगे ताकि यहाँ से भी ठीक हो गया। अब बारी आती है लैश कर्ल करते हैं, मयाक करते हैं मयाक, ठीक है। हमने अपनी लैशेस कर्ल कर लिए, अब बारी आती है स्किन को प्रेप पहले कर लेते हैं। अच्छा स्किन को प्रेप करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ तजमीली बहानी का 24K गोल्ड सीरम, ये भी बहुत अच्छा है, और मिल्क यू सीरम। अच्छा इनमें डिफरेंस ये है, जो ये वाला है ना 24K गोल्ड सीरम, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और जो मिल्की यू है, ये तो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, उनके बम्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये इस तरह की टेक्स्चर है इसका। ये देखो ये देखिए ये इस तरह का टेक्स्चर है और वो ऑयली ऑयली है ये वाला, ठीक है। और साथ इनकी मिस्ट है, ये मैं एंड पे करूँगी मेकअप करने के बाद, ये मिस्ट भी अच्छी है लेकिन ये आंखों में मिस्ट नहीं जानी चाहिए, आँखें बिल्कुल बंद करके। अच्छा अब मैं मिल्की यू सीरम लगाती हूँ क्योंकि मैंने पहले ना लगाया हुआ है वो लोशन लगाया हुआ है, अभी मैं लगाती हूँ अच्छी तरह ताकि ना मेरी स्किन मुलायम मुलायम हो जाए, और हम बेस में इसका एक कतरा डालेंगे। चलो अब हम क्या करते हैं, बेस लगाते हैं। बेस में अप्लाई करूंगी टीवी पार्लर की, कमाल बेस है। अच्छा जी इसको हम लेते हैं कहाँ, ले हाथ पे ले लेते हैं उल्टी साइड पे, देखें बेस ली तजमीली बनाने के 24K गोल्ड सीरम का डालेंगे एक ड्रॉप, एक ही बहुत है, ठीक है। इसको इस फाउंडेशन ब्रश से मिक्स करेंगे, ये फाउंडेशन ब्रश लोकल ही है, ये बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं यूज कर रही हूँ ये कंसीलर मेकअप रेवोल्यूशन का, नंबर है C6, ये अच्छा कंसीलर है। इसका लिंक नहीं दे सकूंगी आपको, ये जान के लेना पड़ेगा, जो निशान पड़े हुए ना इन पे एक एक डॉट लगाऊंगी बस, ताकि हल्की सी कवरेज आ जाए। इस साइड पर निशान है, इस साइड की ये क्लियर है, ठीक है। इधर नहीं लगा रही, सिर्फ इधर लगाऊंगी, और एक ये मेरे चिकन पॉक्स, आसान होगी। एक मिनट हाँ जी, अब जो हमने कंसीलर लगाया था इसको हमने फिंगर के साथ एक मिनट के बाद यूं करके ब्लेंड कर लिया, ठीक है। ज्यादा कवरेज नहीं दी क्योंकि दिन का फंक्शन है तो बहुत ज्यादा वो हैवी हो जाती है। अब बारी आती है कॉन्टोर करने की, इसमें से देखें जी मैं एक ये वाला शेड यूज करूंगी और इस ब्राउन के साथ हल्का सा इसको मिक्स करूंगी, ठीक है। ये कॉन्टोर ब्रश है ब्यूटीफाई बामला का, ये अच्छा ब्रश है, टैप कर देंगे और कान से इधर ये रख देंगे। मैंने अभी कोई फेस पाउडर नहीं लगाया, वो भी नहीं लगाऊंगी मैं, वो एंड पे लगाऊंगी जहां जहां जरूरत होगी, वरना ग्लोई लुक चाहिए, ठीक है। ये देखें इधर कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे अच्छा अब हमने ब्लेंड कर लिया। अब हम लेंगे ये खिलता हुआ पिंक, ये बहुत पिगमेंटेड है, इनको थोड़ा थोड़ा करके बस इतना इतना अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए सारा पिगमेंट लग गया, बहुत थोड़ा सा लेंगे, टैप करेंगे और ये देखिए, ठीक है। और इस कॉन्टोर के साथ इसको मिक्स कर देंगे, वही वाला ब्रश से लग गया, और कॉन्टोर के ये देखिए कैसी ग्लोई लगी है फाउंडेशन।
इसलिए मैंने वो नहीं लगाया था, फेस पाउडर नहीं लगाया था। फेस पाउडर हम सिर्फ यहाँ पे हल्का सा लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और बस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, ये लाइट पड़ रही है ना इस वजह से शायद बगुआ लग रही है, बगू। अच्छा, फेस पाउडर लिया हमने और हल्का सा टैप किया, इसको भी हमने यूं कर दिया और सिर्फ यहाँ पर, सिर्फ थोड़ा सा, पूरा नहीं आप तक हमने लेके आना। बस अब जिससे ब्लश ऑन लगाया था ना, अब हम हल्का सा उसको दोबारा यहाँ पे फेर देंगे ताकि जो होगा शेड वो बाहर आ जाए। हल्का सा नोज कॉन्टोर करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। अच्छा जी, अब हम लाइटेस्ट ब्राउन ले लेते हैं। अब ये देखिए ब्राउन ले लिया, अपने इन पे लगा लिया, इन पे लगा लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये वाला हाइलाइटर है ना, ये वाला ये लूंगी, ये देखिए, और नाक की बोन पे जहां ब्राउन लगाया था ना उसके दरमियान में, ये देखिए, ठीक है जी। थोड़ा सा नोज कॉन्टोर किया, ज्यादा नहीं किया। अब हम वही लगेंगे ब्रश और अपना हाइलाइटर भी इसी से ही अप्लाई कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, दोनों साइड पे हल्का सा हाइलाइटर यहाँ, हल्का सा यहाँ, हल्का सा यहाँ। चलें जी, अब लैशेस लगाने की बारी आती है। पहले हल्का सा मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं और फिर लगाते हैं लैशेस। अच्छा, अब मैं यूज़ कर रही हूँ इनके ये वाले पेंस, ये वाटरप्रूफ है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है टीवी पार्लर के। अच्छा, मैं इनको आपको स्वाचेस दिखा देती हूँ, इनको हिलाएंगे और ये देखिए सारे लगाती हूँ फिर पता चलेगा। ये सिल्वर है, ये देखिए ये रेड है, अब सिल्वर नज़र आ रहा है, ठीक है। और बाकी भी दो दिखा देती हूँ, और ब्लू दिखा देती हूँ, ये ब्लू है, और जो मैंने अभी अप्लाई करना है एक को दिखा देती हूँ। हम कौन सा अप्लाई करें तीनों में से? गोल्डन अप्लाई करते हैं, ये गोल्डन अप्लाई करते हैं। इसको शेक शेक किया और ये देखें जी, ये गोल्डन। अब हमने इसको किधर लगाना है? इसको आँख के यहाँ पे, ठीक है, ये देखें एकदम अच्छी अच्छी सी ना। ठीक है, अब आखिरी मरहला है, सब कुछ हो गया, हम सब कुछ हो गया, बस ये हाइलाइटर लगाने वाला रह गया ब्रो बोन के ऊपर, वो भी हम लगा के फारिग होते हैं। वही वाला हाइलाइटर उठाएंगे टीवी पार्लर का जो मैंने अप्लाई किया, और अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाइलाइटर उठाया यहाँ पे, हाइलाइटर हल्का सा क्योंकि गोल्डन लगा चुकी हूँ मैं, वो वाला पेन उसको पक्का शक्का करने के लिए अब ऊपर ही लगा रही हूँ। लिपस्टिक मैं रख रही हूँ पिंक्स और ऑरेंज मिक्स करके, और पिंक मेरे पास है ही नहीं। हाँ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पिंक कैसे बनाएं? सबसे पहले ऑरेंज लगाते हैं, ये देखें ये पाउडर बन गई है, ये मिनी सो की लिपस्टिक देखें, आपको नज़र आ रही है, ये देखें, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है भाई, ये देखो मैं कल लेके आई हूँ अभी 650 रुपीज़ की, बहुत फारेग है, 03 नंबर पाउडर की तरह उड़ रही है। पिगमेंट काफ़ी है लेकिन पाउडर की तरह उड़ रही है। इसको हम ब्लेंड करेंगे फिंगर से थोड़ा सा लगा के, ब्लेंड कर दिया। अब क्या करूंगी मैं, जो ये वाला इसका पिंक है ना, ये वाला, ये उठाऊंगी, ये देखें ये उठाया पिंक, जुगाड़ चेक करें, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगी और इतनी फिट लगेगी ना, ये देखें और उठाया। अब मैं क्या करूंगी, हल्का सा ना ये डॉट लगाऊंगी रेड का,
ताकि वो जो पाउडर लगाया ना वो पक्का हो जाए। ये यहाँ है लगा दिया, ये देखिए इसको यहाँ ही ब्लेंड कर देंगे। डन हो गया। ठीक है अब मैं कुर्ती चेंज करती हूँ, वापस आती हूँ। कुर्ती कर ली है चेंज, अब बारी आती है लैशेस लगाने की। लैशेस लगाती हूँ, ये रही लैशेस, जितना मैंने लैशेस लगाने सिखाएंगी ना हल्की सी लाइन लगा के हाउ टू अप्लाई, वैसे ही मैं लैशेस लगा के आती हूँ वापस, क्योंकि मुझे शीशा बड़ा चाहिए हाथ में पकड़ के इस तरह। अब ये मैं लगाऊंगी ये वाली लैशेस। हाँ जी लैशेस लग गई हैं। अब ये टीवी पार्लर का एक और पेन है पर्पल कलर का, इसका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह का दिखता है, शिमर में है। इससे मैं हल्का सा लाइनर लगा लूँगी और इनर कॉर्नर्स को कवर कर लूँगी ताकि लैशेस उखड़ी उखड़ी ना लगे। ये देखें जी मैंने अपनी लैशेस को इससे सेट कर लिया, इनर कॉर्नर्स बना लिए इससे, और सांग का भी इससे बना लिया। ये देखें जी थोड़ा सा हम हल्का हल्का सा बस लाइनर लगाएंगे। चलें अब ज्वेलरी पहनने की बारी है। मैं ज्वेलरी पहन रही थी, उसके बाद अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि जल्दी मुझे बहुत ज़्यादा थी, लेट हो रही थी और सब डांट रहे थे। अब आप लोगों ने सारा ट्यूटोरियल देख लिया है, बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी था, थोड़े से शेड्स यूज हुए और ये लुक क्रिएट हो गई है। ठीक है जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो लाजमी मुझे बताइएगा कि कैसी आप लोग को लुक लगी है। लाइट में ये इस तरह की है और लाइट के बगैर ये इस तरह की है। ओके जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी रब रखा।